नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी अपने इस चैनल पे करवा रहे हैं। जो भी नए नए टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे जो आयोग दिए गए थे 15 के 15 आयोग, वो मैं सारे कंप्लीट करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। राजवंश जितने भी दिए हुए हैं, सारे में रियासतें सारी कंप्लीट करा चुका हूँ। इस सिंधिया राजवंश के साथ वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थंबनेल में जैसा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के जो छात्र हैं उनको मैं दे रहा हूं फ्री में नोट्स। तो उनको फ्री में नोट्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए उनको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं सिंधिया राजवंश की, या जिसको ग्वालियर रियासत भी कहा जाता है। चलिए, ग्वालियर का पूर्व भारतीय राज 1398 में दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना रहा। उस समय पर यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। तत्पश्चात 1398 को ग्वालियर तोमर के नियंत्रण में आ गया। जो तोमर वंश था, तोमर वंश के नियंत्रण में आ जाता है। अब 1528 से 1737 तक यह क्षेत्र मुगलों के पास रहा। यह जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ये एक पृष्ठभूमि टाइप की है, मतलब एक सार टाइप का है, समरी होती है ना, समरी है। इसके बाद फिर हम जो इंपॉर्टेंट इनके जो राजा वाजा थे ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले एक मोटा मोटा हम गाइडलाइन देख लें कि ये ग्वालियर राजवंश एक्चुअल में है क्या, कैसा क्या था इसका, ठीक है। तो 1731 में रानोजी सिंधिया ने मालवा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा और वहां की संपत्ति को प्राप्त किया। किसने? रानोजी ने। तो जो संस्थापक हैं, संस्थापक इसके रानोजी ही हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम के दरबार में जो किया गया था, बंटवारा की एक जो बंटवारा हुआ था के साथ ही सिंधिया रियासत को मान्यता मिली, ठीक है। रानोजी सिंधिया सिंधिया रियासत के संस्थापक थे। ये देखिए, रानोजी सिंधिया सिंधिया रियासत के संस्थापक थे, जिन्होंने अपने ग्वालियर राज्य की राजधानी प्राचीन शहर उज्जैन को बनाया था। तो पहले जो ग्वालियर की जो राजधानी थी ना, ग्वालियर वंश की, वो उज्जैन थी, पहले ग्वालियर नहीं थी, ठीक है। तो वो किसने बनाई थी? रानोजी सिंधिया ने। तो यहां से हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हुए? 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि भाई ग्वालियर राजवंश की या सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो रानोजी सिंधिया। और इसकी राजधानी कहां थी? तो उज्जैन। तीसरा क्वेश्चन, ग्वालियर राजवंश की राजधानी उज्जैन बनाने वाले शासक का नाम बताइए, तो रानोजी सिंधिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो 1810 है दोस्तों, ये 1810 तक उज्जैन शहर सिंधिया राजधानी, मतलब उज्जैन शहर जो है वो सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा। रानोजी सिंधिया के 5 पुत्र थे, जयप्पा, दत्ताजी, ज्योतिबा, तुकाजी और महादजी, ठीक है। ये डेटा आप अपने पास नोट कर लीजिए, ये आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। तो रानोजी के बाद उनके पुत्र जयप्पा ने राज्य संभाला, किंतु 1759 में नागपुर में उनकी हत्या कर दी गई। अब आपको मालूम है राजा महाराजा युद्धों में घिरे रहते हैं, तो किसी षड्यंत्र के चलते इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शासन की बागडोर उनके पुत्र जनकोजी के हाथ में आई, जनकोजी ने संभाली, किंतु 1761 को पानीपत के युद्ध में उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद महादजी सिंधिया ने 1761 में ग्वालियर रियासत का शासन अपने हाथों में लिया। अब जो महादजी सिंधिया थे ना, ये एक अच्छे पराक्रमी रूलर थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे ये। ग्वालियर रियासत का अस्तित्व भारत की आजादी के आजादी तक 200 वर्षों से अधिक समय तक बना रहा। मतलब भारत की आजादी तक उसका अस्तित्व था, और 200 वर्षों से ज्यादा मतलब टाइम तक जो है ये ग्वालियर रियासत का अस्तित्व बना रहा, अभी भी है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब कब हुआ? 1817 से 1819 के में जो आंग्ल मराठा युद्ध की जो डेट मानी जाती है, मैं मतलब तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय नवंबर 1817 को अंग्रेजों ने महादजी शिंदे, मतलब महाजी शिंदे, ये एक्चुअल में शिंदे थे, फिर ये बाद में सिंधिया हुए ये लोग, तो शिंदे भी अगर आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महादजी शिंदे के साथ ग्वालियर की संधि की, ठीक है, ग्वालियर की संधि होती है आंग्ल मराठा युद्ध में, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों और सिंधिया राजवंश की संधि होती है। इस संधि के अनुसार महादजी शिंदे को पिंडारियों का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता करनी थी, और ये दक्षिण पश्चिम के राज्यों पर अपना प्रभाव हटाना पड़ा। मतलब जो उस क्षेत्र का जो दक्षिण पश्चिम का जो राज्य था, वहां से अपना प्रभाव भी हटाना पड़ा अंग्रेजों की उस संधि के अंतर्गत, ये बात थी। और इनको पिंडारियों को हराने के लिए भी अंग्रेजों की हेल्प करनी पड़ी उसमें। 1818 में मराठा संघ और अंग्रेजों के युद्ध में सिंधिया अंग्रेजों के अधीन हो गए,
और 1947 तक राजवाड़े के रूप में बने रहे। 1818 मतलब मराठाओं की जब वॉर चल रही है, आंग्ल मराठा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है मराठों और अंग्रेजों के बीच में, तो एट द एंड ये भी मराठी ही थे, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। बाजीराव ने इनका डिवीजन किया था सबका, लेकिन इन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया और ये अंग्रेजों से संधि करके 1947 तक बढ़िया रजवाड़े बने रहे। इन्होंने कोई युद्ध नहीं करे, कुछ नहीं करे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ग्वालियर रियासत के महाराज जमाजी राव थे, ठीक है, ये जमाजी राव है, बहुत जगह जीवाजी राव लिखा रहता है लेकिन जीवाजी राव दोस्तों गलत है। 1857 का जब युद्ध हुआ था तो उस समय महाराज जो थे वो आपके जमाजी राव थे, ठीक है। जीवाजी राव सिंधिया कब थे ये भी देख लीजिए, 1925 से 15 अगस्त 1947 तक ग्वालियर रियासत के महाराज रहे। कौन महाराज रहे? जीवाजी राव, तो अंतिम शासक भी इनको आप बोल सकते हैं, या ये भी आया है ना, तो एक क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि 1857 के संग्राम के समय ग्वालियर रियासत के महाराज कौन थे, तो जमाजी राव, और अंतिम मतलब आपका इंडिपेंडेंस तक, इंडिपेंडेंस के टाइम तक कौन महाराज थे, तो जीवाजी राव, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां से हमारे जो संस्थापक हैं उनकी बात करेंगे, संस्थापक के साथ साथ जो इस सिंधिया राजवंश में इंपॉर्टेंट रोल जिनका रहा उनकी हम बात करेंगे। देखिए राजवंश जो होते हैं ना दोस्तों, वो सारे अच्छे बड़े बड़े राजवंश हैं, ये अब 200 सालों से ज्यादा इनका इतिहास रहा, तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस सी है कि ये बहुत बड़ा इतिहास है। हम बहुत सारी चीजें जो हमारे काम की नहीं है उन्हें तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ काम की चीजें पढ़नी है। ऐसा पीएससी का रूल है कि भाई सिलेबस जो दिया है उसी में से आप पढ़ो, बाहर से आप कुछ पढ़ोगे उठा के तो भाई कोई मतलब का नहीं है। तो जो भी काम काम की चीजें हैं वही हम यहां पर ध्यान देंगे। हम बात करेंगे महादजी सिंधिया, इन्हीं को माधवराव सिंधिया प्रथम भी बोला जाता है। महादजी सिंधिया या महादजी शिंदे या माधवराव सिंधिया प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1761 में सिंधिया रियासत का शासन संभाला, किंतु 1761 से 1768 तक 7 वर्षों का उनका शासन उत्तराधिकारी संघर्ष में, मतलब उनके और भी लोग रहे होंगे वहां पे जो इस गद्दी को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे या कुछ भी होगा, तो 7 वर्ष का जो शासन था ना वो उनका इसी में बीत गया। 1768 के बाद उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया, जब फाइनली पूरी तरीके से किंगडम उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने उनकी शक्ति का विस्तार किया तथा आगे चल के पेशवा की ओर से दिल्ली पर शासन किया। मतलब मैंने आपको बताया ना कि जैसे अभी मैंने पहले बोला था कि ये एट द एंड थे तो मराठी, पर इन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध में मराठियों का साथ नहीं दिया था मराठा साम्राज्य का। ये देखिए बात लिखी हुई है कि पेशवा कहां होते थे भाई, पेशवा की जो उपाधि थी मराठाओं में दी जाती थी, पेशवा की ओर से दिल्ली पर शासन भी किया। बाद में शाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। तो जो शाह आलम था ना दोस्तों, शाह आलम ने इनको अपना एडवोकेट टाइप का रखा हुआ था, इनको अपना वकील भी बनाया था, ये आगे शायद मैंने बताया भी हुआ है। इनके काल में होलकर और सिंधिया के संबंध बिगड़ते बिगड़ते शत्रुता तक पहुंच गए थे। माधवराव 1794 में देहांतवास होने तक ग्वालियर राजवंश के शासक बने रहे। इन्हें शाह आलम ने गद्दी पर बैठने के बाद अपना वकील बनाया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर क्वेश्चन आपसे बन के भी आ सकता है कि शाह आलम ने किस मराठा शासक को या फिर शाह आलम ने किस सिंधिया शासक को अपना वकील बनाया था, तो उसका आंसर क्या होगा? महादजी सिंधिया। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर यहां तक अभी अच्छी लगी हो आपको, वीडियो यहां खत्म नहीं हुई है, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो यहां तक अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि वीडियो आप एंड तक देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कुछ नहीं जाना है, बस लाइक बटन पर आपको टैप करना है, तो प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिए। इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूं 50 लाइक्स का, देखते हैं 50 लाइक इस वीडियो पे आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। अगर आप लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं आ पाएंगे। वीडियो के व्यूज मेरे जा रहे हैं 200-300, लेकिन लाइक 50 भी नहीं जाते हैं दोस्तों। तो प्लीज इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वहीं पर सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए अब हम बात करेंगे दौलत राव सिंधिया की। तो दौलत राव सिंधिया, इनका शासनकाल 1794 से 1827 तक था। महादजी सिंधिया के बाद उनके भाई तुकाजी सिंधिया के पोते दौलत राव सिंधिया ग्वालियर रियासत के उत्तराधिकारी बने। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 1803 की बात है ये, 1803 में ब्रिटिश की और सिंधिया के मध्य जो है सुरजी अंजगांव संधि, ये इंपॉर्टेंट संधि है, देखिए सुरजी अंजगांव संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जमुना दुआब क्षेत्र, दिल्ली, आगरा,
दिल्ली आगरा का क्षेत्र, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गए। 15 नवंबर 1817 को ग्वालियर के जिसके तहत सिंधिया ने पिंडा, मतलब जो संधि हुई, ग्वालियर की संधि की बात यहाँ पर हो रही है कि 1817 में ग्वालियर की संधि हुई जिसके तहत सिंधिया ने, मतलब ये मैंने आपको पहले बताया था ना, जब मैंने आपको समरी बताई पिंडारियों के दमन के लिए ब्रिटिश की सहायता की। 1818 में सिंधिया जो है ये अंग्रेजों के अधीन हुए, भारत की स्वतंत्रता तक राजवाड़े के रूप में ये रहे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए दोस्तों, ये है दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से राजधानी स्थानांतरित करके ग्वालियर बनाई। तो वह कौन सा शासक था जिसने ग्वालियर वंश की राजधानी उज्जैन से स्थानांतरित करके ग्वालियर बनाई? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम यहां पर मैं दिखा देता हूं वापस से। तो उनका नाम था दौलत राव सिंधिया जी। मतलब इससे देखिए आपको, पहला तो वो थे, तो उन्होंने बनाई उज्जैन, महाजी ने उज्जैन बनाई। तो इससे आप एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूं, दौलत राव, तो देखो राजधानी कौन स्थानांतरित कर सकता है? जिसके पास दौलत बहुत होगी। तो ऐसे आप समझ लो, तो वह कौन सा शासक था जिसने राजधानी ग्वालियर से स्थानांतरित कर उज्जैन से स्थानांतरित करके ग्वालियर बनाई थी? तो जिसके पास बहुत दौलत थी, दौलत राव, उसने करा था ये। और ये कब हुआ था? ये 1810 में हुआ था। अब हम बात करेंगे जीवाजी राव सिंधिया जी की। जीवाजी राव सिंधिया 1925 से 1948 इनका शासनकाल रहा। ये माधवराव सिंधिया द्वितीय के पुत्र थे। 1925 में ग्वालियर रियासत के महाराज बने। 1941 में उन्होंने लेखा देव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखा देवेश्वरी देवी से विवाह किया। ये लेखा देवेश्वरी देवी राजमाता विजया राते राजे सिंधिया के नाम से बाद में फेमस हुई, जिन्हें बाद में जिसमें राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से जाना जाने लगा। जीवाजी राव के चार पुत्रियां थी इनकी। कौन कौन? पदम राजे, उषा राजे, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे। इन चारों नामों से मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल वाकिफ होंगे, आप सब जानते होंगे चारों नाम, आपने सुन रखे होंगे। उनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम रखा गया माधव राव सिंधिया तृतीय। ये 15 अगस्त 1947 के कुछ समय बाद तक ग्वालियर राज्य के महाराज बने रहे। बाद में कई रियासतों को मिलाकर मध्य भारत प्रांत बनाया गया, जो 15 जून 1948 तक प्रभावित रहा। आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ जानने योग्य बातें, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें। देखो विद्रोह 1857 के समय ग्वालियर के महाराज जमाजी राव थे, ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन बन के आ सकता है। सिंधिया वंश के अंतिम शासक लंदन से ग्वालियर पर शासन करते थे, वो लंदन में रह के ग्वालियर पर शासन करते थे, अंतिम शासक जो थे। मैं अभी बता चुका हूं अंतिम शासक कौन थे, ठीक है, अभी फिर से बता देता हूं। अंतिम शासक जीवाजी राव ने ग्वालियर रियासत का विलय भारत संघ में किया। कब? 1948 में। तो अंतिम शासक जो होगा वही भारत में विलय कर पाएगा। तो हमें बस याद क्या रखना है, अंतिम शासक कौन था? जीवाजी राव लंदन में बैठ के ग्वालियर पर राज करते थे, और जीवाजी राव ने विलय, जो भारत में विलय का पत्र था 1948 में, उस पर हस्ताक्षर किए थे। 18 मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जीवाजी राव को मध्य भारत प्रांत का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक्स भी पूछी जाती हैं, तो इन टॉपिक्स को मिलाकर भी कुछ आपसे ये कर सकते हैं। देखिए एक शख्स थे जिनका नाम था मृदुला सिन्हा, उन्होंने एक रानी ऐसी भी एक पुस्तक लिखी थी जो राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर उनकी जीवनी थी, पूरी की पूरी उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी उनके, वो किसने लिखी थी? मृदुला सिन्हा ने एक रानी ऐसी भी नाम से राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर जीवनी लिखी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अपने पास नोट कर लीजिए, रट लीजिए दोस्तों। यहीं पर वीडियो होती है खत्म। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ अन्य स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिशा एकेडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सब पर अवेलेबल है, इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अब मैं बात करूंगा जो MPPSC 2020 के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं फ्री नोट्स देने वाला हूं, उनको करना क्या है दोस्तों। पहले तो आपको वीडियो को करना है लाइक, उसके बाद आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, करना है बेल आइकन प्रेस,
फिर आपको कमेंट में लिखना है वहां पर MPPSC 2020, और ये तीन स्क्रीनशॉट आपको, एक लाइक वाला MPPSC 2020 कमेंट वाला और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने वाला, ये तीन स्क्रीनशॉट आपको लेके रखने। जब आप कमेंट बॉक्स में MPPSC 2020 लिख के मुझे सेंड करेंगे, मैं आपको एक नंबर वहां पर दूंगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके तीनों स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके पास टेलीग्राम ऐप होना अनिवार्य है क्योंकि मेरा ग्रुप टेलीग्राम पर ही है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।